रायसेन का किला मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक गौरव। रायसेन का किला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। यह किला अपनी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय महत्ता के लिए जाना जाता है। इस किले का इतिहास काफी समृद्ध और रोचक है। किले का इतिहास प्राचीन काल। माना जाता है कि रायसेन का किला 9वीं शताब्दी में परमार राजवंश के शासनकाल में बना था। इस किले का निर्माण एक पहाड़ी की चोटी पर किया गया था, जिससे यह दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रहता था। मध्यकाल मुगल काल में इस किले का महत्व और बढ़ गया। मुगल बादशाहों ने इस किले को मजबूत बनाया और इसे अपनी सेना का अड्डा बनाया। मराठा काल मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। मराठों ने भी इस किले में कई बदलाव किए। ब्रिटिश काल 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और रायसेन के किले पर भी कब्जा कर लिया। ब्रिटिशों ने इस किले को अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया। स्वतंत्रता के बाद भारत की आजादी के बाद यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन आ गया और इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। किले की विशेषताएं वास्तुशिल्प। रायसेन का किला अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसमें कई मंदिर महल और हवेलियां हैं। पारस पत्थर की किंवदंती। इस किले के साथ एक रोचक किंवदंती जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस किले में एक पारस पत्थर था जिसके पास जादुई शक्तियां थी। रणनीतिक महत्व। अपनी ऊंची स्थिति के कारण यह किला एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान था। इस किले से आसपास के क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती थी। वर्तमान स्थिति। आजकल रायसेन का किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहां आने वाले पर्यटक किले की प्राचीन वास्तुकला और इसके ऐतिहासिक महत्व को देख सकते हैं। भारत का वो रहस्यमय और वीरान किला जहां राजा ने खुद काट दिया था रानी का सिर। भारत में राजाओं के ऐसे कई किले हैं जो अपने आप में एक अनूठी कहानी समेटे हुए हैं। ये किले भारत की शान तो कहे ही जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ की कुछ ऐसी रहस्यमय बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसा ही किला मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे एक बेहद ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक कहानी है। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। इस किले का शानदार इतिहास रहा है। यहां कई राजाओं ने शासन किया है, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था। हालांकि यह किला जीतने में उसके पसीने छूट गए थे। तारीख शेरशाही के मुताबिक 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी वो यह किला नहीं जीत पाया था। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी बदौलत ही उसे जीत नसीब हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले पर राजा पूरणमल का शासन था। उन्हें जैसे ही यह पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है। कहते हैं कि यहां के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था, जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया। कहते हैं कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की,
लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहां रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसको लेकर ये कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है, लेकिन कहीं सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छिपे पारस पत्थर की तलाश में इस किले में पहुंचते हैं।